एक मैसेज जनता में गलत जा रहा था कि पैंथर्स पार्टी एक डिवाइडेड हाउस है, जिस वजह से लोग पैंथर्स पार्टी से जुड़ने से कतरा रहे थे, और हमने जो इश्यूज थे अपने आपस में सारे रिजॉल्व किए, और हमने फैसला किया कि प्रोफेसर भीम सिंह जी की जो आइडियोलॉजी थी, हक इंसाफ की जो लड़ाई थी, हम उसको मिलजुल के बढ़ाएंगे। तो पैंथर्स की वर्किंग कमेटी ने एक फैसला लिया कि पैंथर्स पार्टी का मुझे प्रेसिडेंट चुना गया उसमें, और पीके गंजू जी को वर्किंग प्रेसिडेंट चुना गया, ताकि हम साथ में मिलके पैंथर्स पार्टी के आदर्शों को आगे लेके जा सकें। ये पैंथर्स पार्टी जो है 40 साल पहले बनाई गई थी, इसमें बड़े लोगों का जो है सेक्रीफाइसेस है, उसमें राजकुमार सहगल जी हैं, मीनाक्षी ठाकुर जी हैं, हमारे उदय चंद जी थे, हमारे ठाकुरदास जी भी थे, बहुत शिवनाथ जी थे, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दे दी, हमारे कश्मीर से बहुत से लोग थे जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी और इस पार्टी को सींचा। ऐसे में अगर हम आपसी लड़ाई की वजह से इस पार्टी को नुकसान पहुंचाते तो ये बड़ा गलत होता, इसलिए ये ज़रूरी था हम एकजुट होकर चलें। आज जनता को क्लियर मैसेज है, पैंथर्स पार्टी एक है, पैंथर्स पार्टी एक होकर जनता की लड़ाई लड़ेगी, और आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि जनता अल्टरनेटिव ढूंढ रही है, वो ऐसा अल्टरनेटिव जो बीजेपी का अल्टरनेटिव बन सके, वो ऐसी पार्टी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी 25-25 एमएलए लेने के बावजूद फेल हो चुकी है परफॉर्म करने में। आज प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, डेली वेजर्स रेगुलराइज नहीं हो रहे हैं, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस हैं उसमें स्कैम हो रहे हैं, और बीजेपी के लीडर्स पूरी तरह से जो हैं हेल्पलेसनेस की स्थिति में है। आज वो कुछ नहीं कर सकते, वो जब प्रॉपर्टी टैक्स लगता है तो वो कहते हैं हमें कंसल्ट नहीं किया गया। तो जनता को एक अल्टरनेटिव चाहिए जो जनता की बात पुरजोर तरीके से कर सके असेंबली के अंदर, वो अल्टरनेटिव पैंथर्स पार्टी आप बन के उभरेगी। आपके मीडिया के माध्यम से मैं सभी अपने पैंथर्स जो लोग प्रोफेसर भीम सिंह जी की आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं उनसे आह्वान करता हूँ, वो सारे वापस आए ताकि हम पैंथर्स पार्टी को उसी मुकाम पे पहुंचा सके जिस मुकाम पे एक बार ये थी, और हम जनता की सेवा पुरजोर तरीके से कर सके। ये बिल्कुल सरासर गलत जो है बयान है, ना मैंने कभी कोई इस्तीफा दिया तो ना मैंने कभी दूंगा। ये जो भ्रम फैलाने के जो लोग ये कार्य कर रहे हैं, ये उनको पता होना चाहिए, ये डिफेमेशन का केस भी उनके ऊपर हो सकता है, क्योंकि अपने लोग हैं तो हम जाना नहीं चाहते लड़ाइयों में, अदरवाइज़ ये स्टेटमेंट डिफेमेटरी स्टेटमेंट है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।